दोस्तों नमस्कार, 4BM गुजरात पर, 4BM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आज के दिन की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी है दोस्तों, है ना, और ये है, और मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ तो होगा। आप जानते हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूं अपने ही कार्यक्रम में, शायद 2 या 3 दिन हुए होंगे जब केजरीवाल साहब को जमानत मिल चुकी थी, घोषणा हो चुकी थी कि वो जमानत मिल, मतलब छूट जाएंगे जमानत पे। तो मैंने तभी शायद उसी दिन के कार्यक्रम में कहा था कि अब जो है कुछ धमाके होंगे, कुछ पटाखे फूटेंगे। तो बहुत बड़ा धमाका जो है आज केजरीवाल साहब ने कर दिया। आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि राजनीति में अगर उठापटक की जब बात होती है, दावपेच की बात होती है, धोबी पछाड़ किसी को देने की बात होती है, उसमें ये माना जाता था बरसों तक कि नरेंद्र मोदी साहब का कोई सानी नहीं है, कोई जवाब नहीं। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, और वो पूरी में वो भी कहानी पूरी मैंने जो है मैंने अगले 2 या 3 वीडियो में कुछ समय पहले बताई हुई है, शायद 1-1.5 साल हो गया, जब गुजरात इलेक्शन सर पे था तब मैंने उस पर विस्तार से बात की थी, अगर आपको याद हो। अगर कोई मोदी साहब को उन्हीं की पिच पे जाके अगर कोई अगर चित कर सकता है तो वो भी अरविंद केजरीवाल साहब है। ठीक है, आज जो घोषणा की है अरविंद केजरीवाल ने कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी का त्याग करते हैं, उस पर तब तक नहीं बैठेंगे जब तक कि जनता की जो जनता है, मतलब जो जनता जनार्दन जिसको कहते हैं, वो उनकी अदालत से वो बिल्कुल पाक साफ निर्दोष साबित नहीं होते, है ना। उनके साथ साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साहब भी वही करेंगे। और भाई बड़ी मतलब भावनात्मक रूप से बातें हुई तो कुछ चीज जो है सामने नजर आ रही है उस पर भी बात करेंगे। जो चीज कुछ ऐसी है जो सामने नजर नहीं आ रही है लेकिन वो क्या हो सकती है उस पर भी आज हम बात करेंगे। और इस सब बातचीत करने के लिए हमने सर्वेश मिश्रा जी, जो कि आम आदमी पार्टी के बड़े युवा जुझारू नेता है, बड़े निर्भीक वक्ता भी है, उनको हमने आमंत्रित किया हुआ, तो उनको हम जोड़ दे रहे हैं। हमारा हम जहाँ बैठे वहां नेटवर्क थोड़ा जो है वो थोड़ा कमजोर है, तो दर्शकों से विनती है कि थोड़ा अगर आपको वीडियो ब्लर कहीं दिखाई दे या थोड़ी सी आवाज में कहीं उधर आपको रुकावट नजर आए सुनने में, तो थोड़ा माफी दे दे हमको, है ना। सरोज भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है 4PM पर। शुक्रिया। हम आपने प्रस्तावना सुनी, मैंने जो थोड़ा जो शुरुआत में जो इंट्रो इंट्रोडक्टरी जो बातें की, अब मुझे ये समझना है आपसे कि देखिए, मैं मतलब मैं तारीफ तो मैं कर रहा हूं कि ये पटक सकते हैं तो ये पटक सकते हैं। उन्होंने जो भाषण दिया, मेरे ख्याल से 26-30 मिनट का भाषण है कुछ, एक तो वहां पहुंचे भगत सिंह के पुस्तक के साथ, हो वहां पे उन्होंने दिखाया कि भगत सिंह की जेल डायरी वहां पे लेके गए, जो आज सभा को संबोधित किया उन्होंने, और कहा कि भगत सिंह के जो लेटर्स जो खत लिखते थे उनको कभी अंग्रेज वगैरह भी रोका नहीं करते थे, लेकिन मैंने खत लिखा एकमात्र 15 अगस्त के दिन कि भाई मेरी जगह किस आतिशी जी को ध्वजवंदन करने का जो है वो मैं चाहता हूं कि वो करें, तो एलजी साहब ने वो भी वो चिट्ठी उन तक पहुंचने नहीं दी और मुझे फिर धमकाया गया। एक पहली बात ये कही मुख्यमंत्री जो मुझे लगता है, और मतलब ये कहते हुए उन्होंने अपने आप को एक तरह से वही उसी भगत सिंह के दौर इस दौर को कंपेयर करते हुए क्रांतिकारी कह दिया। फिर आए कि जैसे वो कहा कि मैं इस्तीफा मतलब मैं बैठूंगा नहीं उस कुर्सी पे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो माता सीता की जो अग्नि परीक्षा हुई थी ऐसी ही जो है मेरी अग्नि परीक्षा है कि राम जैसे 14 साल के बनवास के पास उसके बाद आए थे वापस, और तो उसके बाद माँ सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था। आज केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि वो उस स्थिति से गुजर रहे हैं। अब आती है तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात। अब देखिए, अगर ड्यू टाइम देखा जाए, शेड्यूल वाइज देखा जाए, तो दिल्ली विधानसभा का चुनाव फरवरी में होता है, फरवरी में ड्यू है, लेकिन केजरीवाल साहब ने मांग कर दी कि इसको नवंबर में कर दिया जाए, जैसे महाराष्ट्र के चुनाव होने उसके साथ साथ इसको इस दिल्ली के चुनाव को भी निपटा दिया जाए, और जब तक उस चुनाव का फैसला नहीं होगा तब तक आम आदमी पार्टी में से कोई एक अन्य कोई जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा। और उन्होंने एक चीज ये भी कही, बड़ी महत्वपूर्ण है ये बात भी, कि उनकी बड़ी टिप्पणी उन पर हो रही थी, बड़ी टीका हो रही थी कि भाई जेल में बंद है तो इस
क्यों नहीं देते, जेल के अंदर बैठ के सरकार क्यों चला रहे हैं, है ना। तो उनका उन्होंने बड़ा लॉजिकल आंसर दिया कि मैं चाहता था कि एक ऐसा एक ऐसी रवायत ना बन जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी साहब की जो सरकार है, उस सरकार ने अपने प्रतिस्पर्धियों को, अपने विरोध पक्ष के नेताओं को, और जहां जहां विशेष रूप से जिन राज्यों में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, उनके मुख्यमंत्रियों को दबाने, डराने, धमकाने के लिए जेल में डालने का सिलसिला शुरू किया है। और अगर आप जेल में डाल दिए जाए और अगर आप इस्तीफा दे दें तो फिर उनका मॉरल जाय हो जाएगा और ये उनके लिए एक सफल रास्ता बन जाएगा कि ऐसे दबा के डरा के भी किसी को हटाया जा सकता है। तो बोले इसलिए मैंने नहीं दिया, अब मैं दे रहा हूं। और उस दौरान ये भी कहा कि पार्टी को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई पंजाब में और दिल्ली में, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का उनके प्रति आभार भी व्यक्त किया। अब ये सब तो हुआ, अच्छा अब ये इसका अर्थ क्या होगा? पहली बात, केजरीवाल साहब के पास कोई मुख्यमंत्री की पावर नहीं होगी, क्योंकि वो कुर्सी पर बैठेंगे नहीं। दो दिन के बाद कह रहे कि वो छोड़ देंगे, ठीक है। अब वो 177 दिन के आसपास के समय जो है उतना वो जेल में रह के वापस आए। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त डाली हुई है उनकी जमानत को लेकर कि वो ना तो सीएम ऑफिस जाएंगे ना वो किसी फाइल पे दस्तखत कर पाएंगे। मतलब कि वो जेल के बाहर आके मुख्यमंत्री तो बने रहेंगे, लेकिन उनके पास बेसिकली उस पावर को यूटिलाइज करने की अथॉरिटी नहीं होगी। तो केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बने रहें या ना बने रहें, बेसिकली उनके पास अपने पावर को यूज करने की अथॉरिटी नहीं होगी। अच्छा, अब और सिर्फ कार्यकाल जो है, अगर वो फरवरी पकड़ के चला जाए तो सिर्फ 5 महीना बाकी है, मेरे ख्याल से 5 ही महीना बाकी है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि नवंबर जो है उसमें इस चुनाव को विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा के साथ कर लिया जाए। तो अब जो है कैबिनेट जो है, जो बनी है, जो अभी दिल्ली सरकार की कैबिनेट है, वो जो निर्णय लेगी उसी पर काम पूरा होने वाला है। 6 शर्तें महत्वपूर्ण जो है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। 1, मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल साहब जा नहीं पाएंगे ऑफिस, कोई भी सरकारी फाइल पर दस्तखत कर नहीं पाएंगे, अपने केस के बारे में इसके संबंधित कोई चर्चा नहीं कर पाएंगे, जांच में कोई अवरोध हो या तो साक्षियों को प्रभावित करने का प्रयास हो वो कर नहीं पाएंगे, ये जमानत की शर्तें हैं। और जब भी जरूरत पड़ी तो ट्रायल कोर्ट के समक्ष वो प्रस्तुत होंगे और जांच में सहयोग करेंगे, और उनको 10 लाख रुपए का जो बॉन्ड है वो देना पड़ेगा। अब ये मोटा मोटा बता दिया। सरेश भाई तो ये सब जानते ही है, दर्शक जो शायद नहीं जानते इनको मैं पूरी बात मैंने बता दी। अब दर्शक सरेश भाई सवाल ये आता है, पहली बात मैं तारीफ कर रहा हूं कि ये स्ट्रोक जो है, अब ये पता है कि वो एक्सरसाइज तो कर नहीं पाएंगे अपने पावर को, लेकिन ये इमोशनल जो है ना, बड़ा मतलब प्रभावित करता है लोगों को इस चीज को कि यार मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। तो आप इसको कैसे देखते हैं? आप ऑब्वियसली आप तो अच्छे से देखेंगे, आपके सुप्रीम लीडर है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर इस तरह के कदम से क्या माहौल बनता है? आज जैसे हमारी बात हो रही थी, आपने कहा कि इतनी भीड़ है कि जगह बन नहीं रही है। देखिए, पार्टी के लोगों को हमेशा ये जुनून वाले लोगों की पार्टी है, आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, तो जब भी कोई ऐसा फैसला होता है जिनको उनको लगता है कि नहीं, हमारे उसूलों की बात हो, हमारे नेता अपने सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, आप साथ खड़े हैं और ज्यादा मजबूती से दिखा रहे हैं और ईमानदारी से आ रहे हैं, तो उसमें कार्यकर्ताओं को भी खुशी होती है। देखिए, उन्होंने इस्तीफा दिया है और लोगों में एक नए तरीके का भरोसा है कि देखो अब आओ, हम 3 महीने बाद चुनाव में आपको सिखाएंगे, चुनाव का परिणाम इसका जवाब देंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने देखिए क्या क्या, उन्होंने एक बात कही कि बार बार भारतीय जनता पार्टी मेरी ईमानदारी को लेकर प्रश्न करती रही, कोर्ट ने अपना काम कर दिया, माननीय न्यायालय ने मुझे बेल दिया, और बेल में तमाम, देखिए ईडी की जो बेल हो या सीबीआई की भी जो बेल हो, उसमें स्पष्ट रूप से उनके पक्ष में फैसला आया। और ईडी से बेल मिलना किस तरीके से, आपको पता ही है कि ईडी के बेल में या तो जज को सेटिस्फाई होना होगा कि कुछ भी ऐसा मामला नहीं है, और फिर उसके आधार पर बेल मिला। जो बेल सीबीआई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ उस बेल में सीबीआई को फटकार लगाई और कहा कि इस पिंजड़े में बंद तोते की तरह व्यवहार करना बंद करो। आपको याद होगा पिंजड़े का तोता और सीबीआई की कहानी, आप जितने वरिष्ठ तौर पर राजनीति को कवर करते हैं आप जानते होंगे किस तरीके से बातें की गई।
अरविंद केजरीवाल जी देश के आज उस स्तर के नेता हैं और वो राजनीति में इतना लोगों पे वो भरोसा करते हैं और लोग उन पे भरोसा करते हैं कि वो कहते हैं कि देखो मेरे काम से कुर्सी है, तो जब नेता के काम से उसकी कुर्सी होगी तो उसमें डर नहीं होगा। जब एक कुर्सी के लिए सरकारों को तोड़ने वाले, कुर्सी के लिए सरकार, कुर्सी के लिए सरकारों को खरीदने वाले, पार्टियों को बांटने वाले लोग नहीं जान पाएंगे, उनके काम से कुर्सी है इसलिए वो डरते नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं भी अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूं, जनता के बीच जाऊंगा, जनता के हाथ में फैसला करना है, आप अपने वोट की ताकत से बता दीजिएगा कि मैं बेईमान हूं या ईमानदार। तो ये कितनी साफ गोई से उन्होंने बात रखी, पार्टी के भी लोगों को, दिल्ली के भी लोगों को और तमाम लोगों को ये चीज पसंद आ रही है कि देखिए। और उन्होंने देखिए बात बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि अगर वो जेल में रहते हुए इस्तीफा दे देते तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मकसद पे काम कर रही थी कि सभी मुख्यमंत्रियों पे केस करो, उनको जेल में डालो, उनकी सरकारें गिराओ और हर तरफ तानाशाही, लूटमारी और ये फर्स्ट ट्रेडिंग का खेल शुरू करके हर जगह अपनी सरकार बना दो। और ये बात जो है ना सर्वेश भाई, ये बात बड़ी लॉजिकल है, ये किसी के भी दिमाग में उतर जाने वाली बात उतर जाएगी कि हाँ यार ये तो है। मतलब आपके साथ हेमंत सोरेन का एग्जांपल है, आपके पास आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार का, आपके पहले तो जैन साहब तो गए, फिर मनीष सिसोदिया साहब को डाल दिया गया और फिर संजय सिंह साहब भी गए, है ना, फिर केजरीवाल साहब भी गए। उसी बात को उन्होंने स्पष्ट तरीके से, बड़े तार्किक तरीके से समझाया और उन्होंने बताया कि मेरे इस्तीफे नहीं देने की वजह क्या थी। और उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया कि अगर मैं इस्तीफा दे देता तो इनका तो मकसद ही यही था कि हॉर्स ट्रेडिंग कराओ, खोखा खोखा करके लोगों को खरीदो, पैसे रुपए में विधायक और मंत्री तोड़ने शुरू करो। तो उन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट किया। और अभी न्यायालय में जब मामला गया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल किया कि आखिर जेल से सरकार क्यों नहीं चल सकती है। आपको देखिए कई बार ये उदाहरण भी है, जेल से सुब्रत राय अपनी कंपनी चलाते थे, सुब्रत राय की कंपनी को इतनी छोटी कंपनी नहीं थी, तो अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के उस बड़े मसूबे पे भी पानी फेर दिया। अभी कोर्ट का जब फैसला आएगा तो भी तय हो जाएगा कि आखिर जेल से इनका जो ट्रेंड था कि मुख्यमंत्रियों को जेल में डालो, उनकी सरकार गिराओ, तो भारतीय जनता पार्टी समझिए संविधान की रक्षा के लिए, देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, इन तानाशाहों से देश को बचाने के लिए कितना जरूरी है कि एक एक इस अरविंद केजरीवाल जैसे ही नेता हैं जो इस देश में एक नया प्रेसिडेंट सेट करते हैं, जो ये बताते हैं, देखिए जो तार्किक भी हैं, जो समझदार भी हैं, जो जुझारू भी है, संघर्षशील भी हैं, जिनमें अपने उसूलों पर खड़ा रहने की ताकत भी है, जो नए दौर की राजनीति को समझते हैं, वो ऐसे नेता ही तय करेंगे और वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट भी किया, तरीके से बताया, तो उन्होंने आज अपनी पूरी जो चीज देखी होगी। बिल्कुल सही बात, मैं ये सुना देता हूँ, ये एक, एक, एक और इनका निवेदन है आज उनके भाषण का, ये मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको लोगों को सुनना चाहिए, दर्शकों को हमारे, ये सुना देते हैं एक क्लिप जो है। मेरा बैंक अकाउंट खाली है, हमारी पार्टी का बैंक अकाउंट खाली है, मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, अपनी इज्जत और अपनी ईमानदारी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं आया। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, 2000 में नौकरी छोड़ के सन 2000 से 2010 तक 10 साल मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर बिताए हैं। कुछ महीने दिल्ली की झुग्गियों में जाके रहा मैं, झुग्गी के अंदर, नंद नगरी सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर मैंने गली गली में खाक छानी है कि गरीब आदमी रहता कैसे, उसके घर का गुजारा कैसे चलता है। अगर पैसे कमाने होते इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी बुरी नहीं थी, और जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तब कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी, ऐसा नहीं था कि उस टाइम ये था मुख्यमंत्री बनने चला था या कोई पार्टी, कुछ नहीं था, कोई भविष्य नहीं था, केवल देश के लिए जुनून था कि देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करने हैं। 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा दिया था, अपने उसूलों के लिए इस्तीफा दिया था, किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था, अपने आप इस्तीफा दिया था। आज के तारीख में, आज के जमाने में कोई अपनी चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता, मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी, अपने आप छोड़ी थी। ना पद का लालच है, ना दौलत का लालच है, केवल देश के लिए कुछ करने का जुनून है, देश के लिए कुछ करने के लिए आए हैं।
इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए, मनीष जी के ऊपर आरोप लगाए हैं। इस देश का जो सबसे कठोर कानून है ईडी का कानून, पीएमएलए, जिसमें बेल भी नहीं मिलती, बेल मिलनी भी मुश्किल है, उसके अंदर हमारे ऊपर तरह तरह के इन लोगों ने आरोप लगाए हैं। कोर्ट से हमको बेल मिल गई उसके बावजूद, आज की तारीख में आज जो स्थिति है, इससे फालतू कोर्ट और कुछ नहीं कर सकता था जितना कोर्ट ने कर दिया हमारे पक्ष में। हम कोर्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं। तो वो पॉलिटिक्स जिसकी जिसके दम पर वो उस आइडियोलॉजी के दम पर कि भाई हम लोग जो हैं करप्शन के खिलाफ की मुहिम से ही तो आपकी पार्टी का जन्म हुआ बेसिकली, और उसी करप्शन के बहुत बड़े आरोप भी आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता पर लगे। ये कहा उन्होंने ठीक है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने मतलब वो कानून जहां पे बेल नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला काफी मतलब एक तरह से ये फैसला भी बेंचमार्क होगा ना सरोज भाई, क्योंकि वैसे बेल मिलती नहीं इस पीएमएलए में, ये फैसला भी मेरे ख्याल से कहीं एक और इस तरह के मामलों में शायद बेंचमार्क हो सकता है, क्या कहेंगे आप? देखिये निश्चित तौर पे ये फैसला बहुत ही बड़ा बेंचमार्क है, और पुराने ऐसे केसेस हैं भी जिनमें कई फैसले बेंचमार्क हुए भी हैं। और आप इस केस में भी आप ये जानिए कि 2 साल से ज्यादा समय हो गए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ऐसे लोग 2-2 साल के लगभग, उप मुख्यमंत्री जी 17 महीने जेल में रहे, संजय सिंह जी सांसद जी 6 महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहे, और इस केस की शुरुआत तक नहीं हुई है, असली मुकदमे की शुरुआत तक नहीं हुई है। तो आप ये समझिए कि ऐसे केसेस खत्म होने में 5-6-7 साल भी लगेंगे, और उसके बाद जो परिणाम आएगा कौन उन समय को वापस कर सकता है इतनी व्यवस्थाओं में जो आपने अवस्थित किया, फिर कौन कर सकता है? अभी इस केस की शुरुआत तक नहीं हुई है, ट्रायल की शुरुआत भी नहीं हुई है, क्या फैसला होगा? तो ऐसे मामलों में निश्चित तौर पर, और ईडी के मामलों की जब एक तरीके से अवलोकन करते हैं और जब हम देखते हैं कि इन फैसलों में क्या हुआ तो उनके जो सक्सेस रेट है वो देख लेते हैं। ट्रायल में शुरुआत ही जब 6000 में से 25 केस होंगे तो फिर उनमें से कितनों पे सजा दिलाई जा सजा होगी और नहीं होगी ये तय होगा। कई ऐसे मामले आए जिनमें केस है ही नहीं, अभी आपने देखा डीके शिवकुमार जी का मामला जो था, वो भी उप मुख्यमंत्री वो भी रह के आए जेल में 3 महीने से ज्यादा समय रहे, केस बनता तक नहीं है। अगर एक उप मुख्यमंत्री को केस बनता तक नहीं है पे अगर आप जेल में महीनों महीनों रख दोगे तो फिर देश की लोकतांत्रिक और ऐसी बड़ी व्यवस्थाओं का क्या होगा? ऐसी एजेंसियां सीधे तौर पे पिजड़े वाली तोते वाली एजेंसियां ही हैं, ये इशारों पे ही चल रही हैं, ये राजनीतिक एजेंसियां बन चुकी हैं, इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन से उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि आखिर में मुख्यमंत्री जेल में रहकर सरकार क्यों नहीं चला सकते हैं, तो एक प्रेसिडेंट सेट है, भारतीय जनता पार्टी से डरेगी, उनको लगेगा कि देखो अब जेल में डाल देंगे तो ऐसा नहीं कि इस्तीफा कोई दे दे, लोग अरविंद केजरीवाल को ही फॉलो कर सकते हैं और ये करना चाहिए। देखिए जब तानाशाही के इस तरीके से इस तानाशाही के उच्च स्तर पर पहुंच जाएंगे तो इनसे मुकाबले करने के लिए बहुत ही सोच समझ कर मुकाबला करना होता है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें 8 साल तक जो मुकदमा चलता है, दिल्ली के सरकार को अधिकार मिलता है ट्रांसफर और पोस्टिंग का, और उसके 8 दिन बाद उस पे नया अध्यादेश ला के उस अधिकारों को खत्म कर देते हैं। ये लोकतंत्र और संघीय ढांचे के टोटल खिलाफ है। तो इन सबसे लड़ने के लिए समझना पड़ेगा, जिसको भी बाबा साहब के दिए संविधान से प्यार है, देश की कानून व्यवस्था से प्यार है, हम इस फेडरल स्ट्रक्चर को मानते हैं, अगर ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी से सोच समझ कर लड़ना पड़ेगा, ये बहुत ही शातिर लोग हैं, दिन रात झूठ बोलने वाले लोग हैं, इन्हें किसी भी तरीके से कोई कानून कोई मर्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अरविंद केजरीवाल जी प्लीज कंटिन्यू वो बात सही है। उसमें जरूर अब जनता के सामने उन्होंने रखा है, उन्होंने जनता के सामने रखा है और जनता के सामने विकल्प दिया है कि आप बताइए कि मैं ईमानदार हूं या बेईमान हूं। जनता विकल्प देगी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर हिम्मत है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन हर तरफ चिल्लाते रहते हैं मोदी जी, तो नवंबर में चुनाव है करा के दिखा दे, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, तीनों राज्यों का चुनाव एक साथ कराए फिर बता दे। सीधे तौर पर उन्होंने वो महाराष्ट्र में कब करवाना वो तय कर नहीं पा रहे,
महाराष्ट्र में जो हालत बनी हुई है भाई उनकी, तो वहां भी तो कहां वो मतलब अभी हिम्मत तो जुटा नहीं पा रहे कि महाराष्ट्र में चुनाव करवा दे। वो लाडली बहना की तरह वहां के लड़कों के लिए भी योजना निकाली, पर वो भी उससे भी कुछ नहीं हो रहा है वहां पे। अच्छा, मजे की बात ये है, ये आप लोग ये क्यों नहीं उठाते, मतलब उनमें सवाल हो रहा है। ये राजस्थान जाते हैं 400 रुपए गैस का सिलेंडर की घोषणा कर देते हैं, भाई हम गुजरात वालों ने क्या बिगाड़ा हुआ है? आप लोग जो हैं वहां भी ठीक ठाक आपका भी है, गुजरात के लिए लड़िए भाई थोड़ा, कि भाई गुजरात तो 30 साल से आपको सर पे बिठा के रखा हुआ है, तो इनको तो कुछ दो ना। हमारे किसानों को कुछ मिल रहा है, ना हमारे जवानों को कुछ मिल रहा है, ना युवा कुछ पा रहे हैं, पेपर लीक के ऊपर लीक हो रहे हैं, सरकारी भर्तियां हो नहीं रही है भाई साहब, कि किसानों को अतिवृष्टि का मुआवजा मिल नहीं रहा है। तो आप तो आप प्रेजेंट तो हैं आपकी वहां पे, कुछ तो कीजिए आप गुजरात के लिए। आप तो खुद ही गुजरात की राजनीति को समझते हैं और आप जानते होंगे गुजरात की राजनीति में जो इन्होंने गुजरात का मॉडल दिखा दिया था, इनके गुब्बारे में पिन मारने का काम इसी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। गुजरात में इसी अरविंद केजरीवाल ने ऐसा काम किया था कि नरेंद्र मोदी जी को टेंट के स्कूल में आकर पढ़ाई करवानी पड़ी। ये अरविंद केजरीवाल ही है जो इनको उतार दिया उन्होंने गुजरात के चुनाव में। वो समझ गए कि गुजरात में आपको बात करनी हो, गुजरात की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत विश्वास किया हम पर और 13% के लगभग वोट दिया और हमें 5 सीटें दी। लेकिन आपने गुजरात में भी देखा किस तरीके से हमारे विधायकों को, उनके परिवार को किस तरीके से जेल में डाल रहे हैं लोग, उनसे किस तरीके से प्रताड़नाएं दी इन लोगों ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर खत्म करना है तो इस पूरे देश को अरविंद केजरीवाल जैसी लड़ने की शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। पूरे विपक्ष के नेताओं ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जैसा एकदम अर्जुन के लक्ष्य की तरह ध्यान में रखना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी के तानाशाही का खात्मा करना है और तब एक साथ सब लोग उसके लिए आए और तभी हटेगी। अच्छा, आगे अब क्या, 2 दिन के बाद इस्तीफा दे देंगे केजरीवाल साहब, ठीक है। मनीष सिसोदिया भी कह रहे हैं कि उनके साथ वो भी पत्त्याग कर देंगे, तो फिर क्या ये समझा जाए कि 2 दिन के बाद अनऑफिशियली एक तरह से बिल्कुल धुआंधार चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई दिल्ली में, ये मान लिया जाए क्या? देखिए, आगे जो राजनीतिक कार्यक्रम होंगे वो तय किए जाएंगे। आप सब लोगों को सार्वजनिक तौर पे मीडिया के सभी लोगों को तो सूचित किए भी जाते हैं, चले भी जाएंगे। अभी 2 दिनों बाद हमारे विधायक दल के नेता के चुनाव है, चुनाव के बाद उनकी भी होगी, उसके बाद पार्टी नई रणनीतियां भी तय करेगी। आप अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि उनका लक्ष्य कुर्सी पाना नहीं है, मुख्यमंत्री बनना नहीं है। अगर उस देश को नंबर वन बनाने की राजनीति कर रहे हैं, अगर उस देश को एक विकास के उच्चतम स्तर पर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए वो इस जो भी जरूरी रास्ते होंगे उन्हें अख्तियार करेंगे और उसका हम लोग रुख लेंगे। तो मतलब ये हुआ कि कोई एक नया चेहरा बतौर मुख्यमंत्री तो होगा, राज्य मुख्यमंत्री के बगैर तो चल नहीं सकता, तो उनकी जगह कोई और भी तो आएगा, जैसे आपने कहा विधायक दल की मीटिंग रखी जाएगी, उसके बाद ये चुनाव होगा कि आगे किसको उस पद की जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, उन लोगों ने कहा है कि वो जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच रहेंगे और जनता इस बार चुनाव में जो परिणाम फैसला देगी, जब वो फैसला देगी तभी वो लोग कुर्सी पे दोबारा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दोनों लोग तभी संभालेंगे। अच्छा, ये पार्टी ऑब्वियसली आनंद तो बहुत ही होगा, लेकिन जरा थोड़ा माहौल बता दे कि क्या अभी चल रहा है पार्टी में। पार्टी के देखिए सभी लोग बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी लोग तैयारियों के साथ लगे हुए हैं। हरियाणा का चुनाव है, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कुशासन और एलजी के डंडे से सरकार चल रही है, उसका भी मुकाबला हम लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली में एक असंवैधानिक और गैर कानूनी नियमों को लागू किया गया है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को एलजी बना के एक संवैधानिक पद पे बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है और ये कहा गया है कि हर दिन सुबह से शाम तक लेके अरविंद केजरीवाल को काम को रोकते रहो, उनसे भी मुकाबला कर रहे हैं हम लोग। अब चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली की जनता अपना परिणाम देगी, तब भारतीय जनता पार्टी को सबक सीख लेना पड़ेगा और इनको फिर दोबारा अपनी घर वापसी कर लेनी पड़ेगी। इनको यहाँ से चले जाना चाहिए और जो इन्होंने एलजी साहब को बैठा लिया उनको भी हटा देना चाहिए कि देखिए अब अरविंद केजरीवाल को आपने बहुत परेशान कर लिया, अब आप जाइए, अब आप वापस जाइए, अब काम करने दीजिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल में मतलब मेरी जिज्ञासा है, विधानसभा में आप बड़ा अच्छा करते, लोकसभा में क्या हो जाता है आम आदमी पार्टी को दिल्ली में?
अब देखिए, लोगों का एक अलग वोटिंग पैटर्न भी है, लोग वोट भी करते हैं, हम लोग जनता के बीच रहते हैं। इस बार भी चुनाव में बहुत ज्यादा मत प्रतिशत, जो पुराने आप लोकसभा के परिणाम लेंगे और इस बार लेंगे, तो जो मतों का प्रतिशत है वो काफी बढ़ा है और जनता ने और ज्यादा भरोसा जताया, तो इस बात को जरूर देखना चाहिए। अब हम एक चुनाव की जिस प्रणाली में है, तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जिसका ज्यादा आएगा वो लेंगे, लेकिन आप पुराने बार से ज्यादा वोट का प्रतिशत आया। और आपने ये देखा भी होगा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी का कहते थे कि रथ कहाँ रुकेगा, रथ कैसे रुकेगा, पूरे देश में जब उनका रथ चल रहा था तो दिल्ली ने उनके रथ के एक एक पहिए उड़ा दिए थे। तो वो 2014 में जब लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी हवा है, तो उस हवा का रुख भी दिल्ली ने रोक दिया था। तो दिल्ली के लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल उनके आपने लाल हैं। आपने तो उस समय अमित शाह साहब के बहुत प्रसन्न चित्त को बड़ा मतलब कि तोड़ दिया था। पता है आपको, उसी समय उनके सुपुत्र जय शाह साहब की शादी थी और उनका रिसेप्शन था अहमदाबाद के कर्णावती क्लब में। जिस दिन चुनाव के परिणाम आए थे, हम गए थे हमारे उस समय के सीनियर संपादक को लेके, उनको उनको भोजन पे लेके जाना था। तो मुझे तो न्योता नहीं था, लेकिन मेरे सीनियर जो थे संपादक स्टेट हेड, उनको न्योता था, तो उनको लेके मुझे जाना पड़ा था। तो मैंने देखा था अमित भाई को, बड़े उदास से नजर आ रहे थे उस दिन। तो आप ऐसा ये सब देखिए, करते रहते हैं आप लोग? अरविंद केजरीवाल जी की वजह से अमित शाह जी की उदासी बहुत पुरानी है, नरेंद्र मोदी जी की उदासी और ज्यादा है, क्योंकि इन दोनों लोगों के काले चिट्ठों के काले कारनामों को पोल खोलने के काम कोई करता है तो अरविंद केजरीवाल करते हैं, आम आदमी पार्टी करती है। इसलिए वो शुरुआत से परेशान रहते हैं। जब पूरे देश में डंका बज रहा था, भक्तों में तो पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा था, फिर भी दिल्ली में आके उनके डंका की लंका अरविंद केजरीवाल ने लगा दी। और उन्होंने बता दिया कि देखिए, दिल्ली का चुनाव स्कूल और अस्पताल के नाम पे, बिजली और पानी के नाम पे होगा, अगर ये बात आप नहीं करोगे तो दिल्ली की जनता आपको वोट नहीं देगी। उस बार भी परिणाम वो हुआ, उसके बाद 20 में भी परिणाम वही हुआ, अब 25 का जो चुनाव आ रहा है इसमें भी जनता स्कूल अस्पताल और अरविंद केजरीवाल जी के किए गए कामों के नाम पे वोट देगी। देखिए, वही एक नेता है, 2020 में उन्होंने कहा कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, काम नहीं किया वोट नहीं देना। नरेंद्र मोदी देखिए एक बार बोल के दिखा दें, ये 80 और 20 ना गिनाए, हिंदू और मुस्लिम ना गिनाए, कपड़ों से ना पहचाना है तो इनकी राजनीति में सुबह राजनीति नहीं पूरी होगी। अरविंद केजरीवाल जी वैसे नेता हैं जो कहते हैं, सीधी तौर पे कहते हैं कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो, काम नहीं किया वोट मत दो। इस बार वो जनता के बीच जा रहे हैं, कह रहे हैं अगर मैं बेईमान हूं तो मुझे वोट मत देना, मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दो। देखिए, इतने भरोसे के साथ जनता के बीच में। पॉलिटिक्स करने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर है। और ये तो मतलब कोई भी धूर विरोधी होगा तब भी इस चीज को मानेगा कि राजनीति आपकी धर्म के आधारित बिल्कुल नहीं है। आपकी राजनीति जो है आपकी पार्टी की, वो बेसिकली जो किए गए काम है, विशेष रूप से आप लोगों ने जो शिक्षा और इन सब चीजों पर, सिविल सर्विसेज पर, इन सब पर जो जोर दिया है, तो उस पर आप, तो ये एक अलग राजनीति है। ये बात तो मैं बिल्कुल मैं कहता भी आ रहा हूँ काफी साल से, मतलब जब पार्टी का उदय हुआ तब से मैं देख रहा था कि यार ये पॉलिटिक्स जो है करने का तरीका वो अलग है और वो देश के लिए फायदे वाला भी है। पर कभी कभी मुझे एक डर सा लगता है, ये जाते जाते मैं अपने अपना मन का डर बता रहा हूँ आपको, कि फिर वही तो नहीं हो रहा होगा ना कि जैसे वो वन मैन सेंटर्ड पार्टी हो जाए आपके वहां भी, ये होने की मुझे कहीं दूर दूर तक, कहीं संभावना दिखती है मुझे। देखिए, इस पार्टी देखिए पार्टी का एक चलने का प्रोसेस है, पार्टी के भाई नेता होंगे, नीतियां होंगी, उनके अलग अलग जिम्मेदारियां होंगी, लेकिन आप ये जरूर देखिएगा कि अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी को तो बेहतर स्तर पे अलग अलग लोगों की अलग जिम्मेदारियों से चलाते हैं, उनकी जो नीतियां हैं, जो सरकार की नीतियां बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड है, वो नीतियां ऐसी नीतियां होती हैं कि चाहे सरकार अरविंद केजरीवाल जी की रहे, चाहे सरकार एक्स वाई जेड की रहे, वो नीतियां जनता के हक में रहेंगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की नीतियां होती हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की नीतियां होती हैं, और ऐसी चीजें होती हैं जो पूरे सिस्टम को सही करती हैं। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी इस देश के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज कोई भी अगर नए इनोवेशन, नए प्रयोग के माध्यम से सरकार की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है, तो अगर उसको लाने वाले कोई सबसे पहले व्यक्ति हैं, सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। जी, चलिए, अच्छी बात है। आपको फिर से एक बार मैं तो शुभकामनाएं दूंगा, बधाई भी दूंगा, एक बहुत जबरदस्त जो कहते हैं कि एक
मल कुश्ती होती है पहलवानों की, तो उसमें दांव पेश होते हैं। एक बड़ा पॉलिटिकल जबरदस्त सिख दांव जो है लगा है वो, अब उसमें आप जब तक लोगों के लिए अच्छा काम करते रहे तो आपको हमेशा शुभकामनाएं रहेंगी हमारे जैसे लोगों की ओर से, बस अच्छा काम करते रहिए। बाकी राजनीति के अखाड़े में तो आप कब बार बार पछाड़ते हैं ये बात तो मानना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, दिल्ली के लोगों के लिए और देश के लोगों के लिए अच्छा काम करें आप। सरोज भाई आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, थैंक यू जुड़ने के लिए। जी तो दोस्तों सर्वेश मिश्रा जी थे, आपने हमारी बातचीत सुनी, उनसे साक्षात्कार देखा आपने, सुना भी, तो अब आपकी बारी है। अब आप इस पूरी बातचीत के बारे में आप जो भी राय रखते हो, जो भी सोच रखते हो, तो वो हमको लिख के कमेंट के जरिए जरूर से बताएं। और अगर ये बातचीत आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें जरूर से, भूले मत। हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बल्कि उससे पहले इसकी लिंक जो है उसको शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी आप सबके सहयोग से और आप सबके समर्थन से। और मैं हमेशा कहता हूँ नए लोग जितने भी हमारे दर्शक परिवार में जुड़ते हैं, भाई साहब देखें अच्छी बात है, वो हमको बहुत अच्छा लगता है। साथ में वो बेल आइकॉन भी दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए अपने आसपास के लोगों के साथ, है ना। तो बस यही था आज के इस कार्यक्रम में, अब यही समाप्त करेंगे इसको। जाने से पहले हम सभी का धन्यवाद करेंगे जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।